भाई ये क्या है? मैं पानी पानी हो गई। अरे बाबा, तो ऑरलैंडो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे हो गए, और नहीं भी हो गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला तूने? तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम लोग कुछ अचानक भयानक भयंकर ट्रिक्स, साथ ही साथ बुराने वाले हिडन प्लेसेस बताने वाला ना, जिनको देखने में तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर पाओगे। और सच में ना तुम लोग इन ट्रिक्स और हिडन प्लेसेस को देखने के बाद ना बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश करके हीरो को ग्रैंड मास्टर कर पाओगे। तो बस इस वाली वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में तुम लोग को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना तुम लोग का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने का। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कर दो यार, शर्मा क्यों रहे यार, सब्सक्राइब कर दो, कर सब्सक्राइब। अरे सबसे पहले करते हैं, रुको। वैसे तुम लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले वाली ट्रिक को करने के लिए तुम लोग अपने हैंगर की इस वाली जगह पे आके अपने मेन लॉन्च पैड को कुछ ऐसे इस वाली जगह पे लगाना है, और फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ के जो तुम्हारा लीवर मिन माइज का बटन होता है दोनों को साथ में तुम्हारा गेम में वापस आ जाना है। और उसके बाद देखिए तो तुम पूरा वॉल के अंदर आ चुके हो। अरे बाबा, और ना जैसे तुम लोग वॉल के अंदर आते उसके बाद तुम लोग आगे दौड़ के जाना, उसके बाद देख ही सकते हो तुम लोग एक ऐसी जगह आ चुके हो ना जहाँ तुम लोग को ऊपर से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहाँ बंदे हैं और कहाँ नहीं है। मतलब तुम लोग देख सकते हो जो डैम है ना, मतलब छोटा मोटा डैम जो भी बोलते हैं इसको, इसके ऊपर मतलब तुम लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से ना ऊपर भी जो बंदे आएंगे तुम लोग उन्हें बहुत ही आराम से मार सकते हो। और साथ ही साथ तुम लोग को बगल में ना ब्लैक होल भी दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी तुम लोग जा सकते हो, मतलब नहीं जा सकते हो कोई बात नहीं। गजब टू भी आज आदमी। और ना इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम लोग जैसे इस वाली जगह पे आओगे यहाँ से तुम लोग बहुत ही अपना रैंक पुश कर सकते हो, साथ ही साथ तुम लोग यहाँ पे कोई देख भी नहीं पाएगा। और इस वाली जगह पे तुम अपने स्क्वाड के साथ भी आकर अपना बहुत ही आराम से रैंक पुश करके हीरो का ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। तो तुम लोग देख सकते हो अपनी पहली वाली ट्रिक कुछ भयंकर है, तो इस वाली ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, करो। अरे सबसे पहले करते हैं, रुको। तो अपनी दूसरी वाली अचानक भयानक भयंकर वाली ट्रिक को करने के लिए तुम लोग परगेटरी मैप की इस वाली जगह पे आ जाना, उसके बाद तुम लोग अपने लॉन्च पैड को कुछ ऐसे इस वाली जगह पे लगाना है, और फिर जो तुम्हारा मिनिमाइज और लीप का बटन होता है ना दोनों को साथ में गेम में वापस आ जाना है। और उसके बाद देख सकते हो तुम लोग पूरा पानी के अंदर आ चुके हो। पर जैसे ही तुम लोग पानी के अंदर आ जाओगे उसके बाद तुम लोग को सरबर्ट पे खड़े होना है, और तुम लोग आगे की साइड ना पूरा घूम सकते हो, यहाँ से बहुत यहाँ से ना तुम लोग पानी की साइड साइड घूम सकते हो और ब्राजीला मैप को भी देख सकते हो अपने, मतलब तुम लोग को क्या ही नजारा देखने के मिल रहा है, ऐसा कुछ तुम लोग कर सकते हो यहाँ पे आके। तुम लोग मतलब बहुत ही नीचे आ चुके हो, और यहाँ से तुम लोग ना पूरा ऊपर की चीजें देख सकते हो, और तुम लोग परगेटरी मैप को पूरा नीचे से देख सकते हो, मतलब तुम लोग ना अपने परगेटरी के अंडरग्राउंड वर्ल्ड को देख सकते हो कि नीचे से परगेटरी मैप अपना कैसा दिखता है। तो देख सकते हो तुम लोग क्या ही भयंकर दिख रहा है अपना परगेटरी मैप, बात तो सही है। तुम लोग देखिए तो अपनी दूसरी वाली ट्रिक ना कुछ ज्यादा ही भयंकर है, तो इस वाली ट्रिक के लिए ना एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और अमेजिंग ट्रिक्स डेली देखने के लिए। अरे सबसे पहले करते हैं, रुको। तो भाई तीसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए ना तुम लोग फैक्ट्री के इस वाली जगह पे आ जाना, इस वाले बैनर के पास, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद तुम लोग कुछ ऐसे साइड में आना, उसके बाद तुम लोग को जंप करके इसके ऊपर चढ़ जाना है, और फिर तुम लोग को साइड में जाने देना अपने कैरेक्टर को, फिर तुम लोग को यहाँ पे भी जंप करके कुछ ऐसे चढ़ जाना है, ठीक है। और जैसे ही तुम लोग यहाँ पे भी चढ़ जाओगे तुम लोग अगले वाले पे भी ऐसे ही चढ़ जाना है, और उसके बाद मतलब एक दो बार नीचे गिर जाओगे तुम लोग, तो फिर तुम लोग फिर से चढ़ना है। और यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग बहुत ही आराम से यहाँ से बैठ सकते हो, और बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग के सामने एक बैनर दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से तुम लोग को कोई देख ही नहीं सकता है सामने से, यानी इस वाली जगह पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, मतलब पीछे जो बंदे आएंगे ना उन्हें तुम लोग बहुत ही आराम से मार सकते हो, और सामने तुम लोगों को कोई देख भी नहीं पाएगा। और ना जैसे ही तुम लोग यहाँ पे सर्वाइव करने का सोच रहे हो तो तुम लोग का साइलेंसर तुम्हारे पास होना चाहिए, या तुम्हारे पास साइलेंसर वाला कैरेक्टर हो या तुम्हारे पास साइलेंसर हो, और यहाँ से साइलेंसर लगा के मारोगे ना तो तुम लोगों को कोई नोटिस भी नहीं कर पाएगा कि कोई बंदा यहाँ पे भी हो सकता है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। और लास्ट में ना इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश करके हीरो का ग्रैंडमास्टर कर सकते हो। ओके, तो फिर चौथी वाली ट्रिक को करने के लिए तुम लोग आज ना अपने बरमूडा मैप के कैप्टन पे, उसके बाद तुम लोग इस वाली जगह पे आके कुछ ऐसे तीन ग्लू बल लगाने हैं। फर्स्ट मैंने लगा दिया, ऐसे करके तुम लोग को ना प्रॉपर तीन ग्लू बल लगाने, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और जैसे ये तुम्हारे तीन ग्लू बल लग जाते हैं ना कुछ ऐसे, और उसके बाद तुम लोग इस वाले घर के ऊपर चढ़ना है, और जैसे तुम लोग घर के ऊपर आ जाओगे उसके बाद तुम लोग को खिड़की पे जाना जहाँ पे तुम लोग ग्लू बल लगाया था, उसके बाद तुम लोग को कुछ ऐसे स्कोप करके इसके ऊपर चढ़ जाना है, और फिर तुम लोग का स्कोप करके ना एक एक ग्लू बल पर चढ़ते जाना है कुछ ऐसे, और तुम लोग बहुत ही आराम से जाना है, क्योंकि तुम लोग अगर थोड़ी सी भी इधर उधर करोगे तो तुम लोग नीचे भी गिर सकते हो। तो फिर तुम लोग ग्लोबल पे आना है कुछ ऐसे, और फिर तुम लोग को बहुत ही आराम से आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ के इस वाली जगह पे जैसे ही तुम लगा जाओ जंप करके तुम लोग को घर के ऊपर चले जाना है, और जैसे ही तुम लोग इसके ऊपर आ जाओ ना घर के ऊपर, यहाँ पे तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, लेकिन तुम लोग को सबसे पहले ग्लोबल को फोड़ना है, क्योंकि इस ट्रिक के बारे में ना किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो जैसे ही तुम लोग अपना ग्लोबल फोड़ दोगे ना यहाँ पे तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, साथ साथ बहुत सारी किल भी कर सकते हो, और कैप्टन पे कभी कभी ऐसा जोन बन जाता है ना तो यहाँ पे आके बहुत ही आराम से तुम अपना रैंक पुश कर सकते हो, और अगर लास्ट जोन यहाँ पे बन गया ना तो तुम लोग मतलब इसके ऊपर आके बहुत सारी किल कर सकते हो, बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश करके हीरो का ग्रैंड मास्टर कर सकते हो। बहुत सही, बहुत सही।
तुमने लास्ट वाले हिडन प्लेस पे जाने के लिए ना तुम लोग को आ जाना, जो अपना बरमूडा ट्री का इवेंट आया ना तो उस वाले ट्री के पास आ जाना है, और फिर तुम लोग को कुछ इस वाली जगह पे आकर कुछ ऐसे लेट जाना है, और फिर तुम लोग को गिफ्ट के अंदर चला जाना है कुछ ऐसे, और यहाँ पे जैसे ही तुम लोग आ जाओ ना यहाँ पे तुम लोग को शायद ही कोई देख पाएगा। और जैसे इस वाली जगह पे तुम लोग लेट जाओगे ना यहाँ से तुम लोग अपना रैंक पूछ सकते हो, तो बहुत सारे किल भी कर सकते हो, क्योंकि इस वाले ट्री के पास ना बहुत सारे बंदे आ रहे हैं आजकल, तो तुम लोग बहुत यहाँ से बहुत सारे किल कर सकते हो, बहुत यहाँ से अपना रैंक पूछ कर सकते हो। और तुम लोग को शायद इस ट्री के पास कोई बंदा देख पाएगा, तो बहुत यहाँ से तुम अपना रैंक पूछ के हीरो को ग्रैंड मास्टर कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वाला वीडियो और ये वाली ट्रिक्स तुम लोगों को कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, और अगर तुम लोग ये वाली ट्रिक्स और मेरी मेहनत जरा से भी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। ओके, और अगर तुम लोग ऐसी और अमेजिंग वीडियोस और ट्रिक्स मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। अरे सबसे पहले करते हैं, रुको। तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।